दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस नए फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे नए नियम बनाए गए हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स हो, एनपीएस से रिलेटेड नए नियम हो, या फिर ईपीएफ से रिलेटेड नए नियम हो, या इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड है। इनमें से कुछ नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जबकि कुछ को अपडेट किया गया है, और इसी में से एक नया अपडेट है जीपीएफ से रिलेटेड मतलब कि जनरल प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, यह एक ऐसा फंड था मतलब कि ऐसा स्कीम था जो कि टैक्स फ्री था, लेकिन इस नए फाइनेंशियल ईयर से इसमें भी टैक्स लगना चालू हो गया है। और आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड क्या नया अपडेट आया है और साथ ही साथ इसमें टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 1 अप्रैल से जनरल प्रोविडेंट फंड मतलब कि जीपीएफ का नया टैक्स रूल लागू हो गया है। अब तक जीपीएफ टैक्स फ्री था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जीपीएफ पर अब आपको जब इंटरेस्ट मिलेगा तब उस इंटरेस्ट पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पास एक लिमिट भी दी गई है मतलब कि जब भी आपका इंटरेस्ट का अमाउंट उस लिमिट को पार करेगा तभी आपका यहाँ पास टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि किसके लिए क्या लिमिट रखी गई है यहाँ पास जीपीएफ में टैक्स कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पास दो क्राइटेरिया रखा गया है, एक अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और दूसरा कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यहाँ पास बात करते हैं पहले नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब यहाँ पास अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पास आपको टैक्स का लिमिट 2.5 लाख रखा गया है। इसके अलावा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यह लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए हो जाती है। मतलब कि अगर कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कर्मचारी अपने जीपीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से ऊपर का निवेश करता है और उस पर जो भी उसे इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। इसके अलावा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप अगर अपने जीपीएफ अकाउंट में 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं मतलब 5 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो उस 5 लाख रुपए में आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि किस तरह से जीपीएफ अमाउंट पर टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो जीपीएफ और टैक्स का कैलकुलेशन के लिए एक खास नियम बनाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के बाद आपका जीपीएफ अकाउंट दो तरह के अकाउंट में डिवाइड किया जाएगा, पहला है टैक्सेबल अकाउंट और दूसरा है नॉन टैक्सेबल अकाउंट। तो चलिए हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं नॉन टैक्सेबल अकाउंट की। तो यहाँ पास 31 मार्च 2021 से पहले आपके जीपीएफ अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वह नॉन टैक्सेबल अकाउंट में कैलकुलेट होगा, जबकि इस डेट के बाद से मतलब कि 31 मार्च 2022 से जितने भी आपने अपने जीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा उसको टैक्सेबल अकाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि 31 मार्च 2021 से पहले आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट किया होगा अपने जीपीएफ अकाउंट में उस पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसके उल्टा अगर आपने 31 मार्च 2021 के बाद अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया है मतलब 2.5 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट किया है तो आपको यहाँ पास टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पास अगर आप 5 लाख का डिपॉजिट करते हैं तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था नया अपडेट जीपीएफ से रिलेटेड। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपको टैक्स से जुड़े नए अपडेट्स के बारे में और ना हो तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है अपने चैनल पर, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।